हाँ नमस्कार दोस्तों, जय नारायण खर्रा सर्पमित्र टीम रायगढ़ से। अभी अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक कॉल आया हुआ था और ये कॉल है धांगाडीपा से और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे इनके बताए अनुसार ये जो सील है इसके नीचे में एक सांप है। आइए दिखाता हूँ मैं आपको सांप कहाँ पे छुपा हुआ है। ये रहा, ये यहाँ पे एक सांप है और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये चेकर स्किल बैग, जिसको नॉर्मल भाषा में डोढ़िया बोला जाता है, वो है। अब मैं इसका यहाँ पे ये सील को हटा के इसका रेस्क्यू करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जाएगा। ये चेकर स्किल बैग, जिसको नॉर्मल भाषा में डोढ़िया बोला जाता है, ये बिल्कुल भी कोई भी प्रकार से जहरीला नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि ये काटने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और काटता ही है। और इसका मैंने यहाँ पे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर चुका है। अब इसको ले जाकर मैं किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा। जय नारायण खर्रा सर्पमित्र टीम रायगढ़। नमस्कार दोस्तों, जय नारायण खर्रा सर्पमित्र टीम रायगढ़ से। अभी अभी कुछ देर पहले हमारे पास कॉल आई हुई थी H13 और यह है PWD कॉलोनी और ये देवांगन जी का घर है। यहाँ हम लोग पहुँच चुका है, आइए देखते हैं कौन सा सांप है। ये देखिए यहाँ पे रेड स्नेक है, जिसको नॉर्मल भाषा में धमना बोला जाता है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार पलंग को इधर खींचो तो। हाँ, एक मिनट में हम लोग। ये रेड स्नेक, जिसको नॉर्मल भाषा में धमना बोला जाता है, इसको हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। घर से बाहर निकलते हैं, फिर बाकी की डिटेल देते जाएंगे। ये रेड स्नेक है, जिसका मैंने अभी इस घर के अंदर से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर चुका है। और यहाँ पे मौजूद देवांगन जी को मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ कि देवांगन जी, ये रेड स्नेक है, नॉर्मल भाषा में इसको धमना बोला जाता है और ये कोई भी प्रकार से जहरीला नहीं। कई लोगों में एक भ्रांतियाँ रहती है कि इसके पूंछ में कांटा होता है या जहर रहता है, जिससे मारे तो आदमी का मांस गलना चालू हो जाता है। ये सारी बातें अफवाहें हैं और भ्रांतियाँ हैं। इसके पूंछ में कोई कांटा, कोई जहर नहीं होता है, जिससे किसी को नुकसान हो सके। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल खुले हाथों से इसको पकड़ रखूँ पूंछ को। और इसका हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर चुका है। विक्की भवानी के साथ जय नारायण खर्रा सर्पमित्र टीम रायगढ़।